आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। और इस वक्त सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के विज्ञापन पर विवाद शुरू हो चुका है। दिल्ली महिला आयोग ने सरकारी विज्ञापन को महिला विरोधी बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। महिला आयोग ने यह कहा है कि विज्ञापन में गृहिणी को नौकरानी की तरह दिखाया गया है, नौकरानी की तरह उसकी छवि है। साथ ही बीजेपी ने पूरे के पूरे विज्ञापन को असंवैधानिक करार दिया है और यह कहा है कि सफाई कर्मचारियों को देने के लिए केजरीवाल सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन विज्ञापन पर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने पूरे मामले पर बचाव करते हुए ये कहा है कि राजनीति की वजह से इस मसले पर विवाद खड़ा किया जा रहा है, पूरी तरह से संवैधानिक है ये एड, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। लेकिन ये विज्ञापन इस वक्त सुर्खियों में है और खास तौर पर बीजेपी ने इस एड पर सवाल खड़े किए हैं। तो बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि अपना प्रमोशन करने के लिए आम आदमी पार्टी ने इस तरह का विज्ञापन बनाया है, करोड़ों रुपए इस विज्ञापन पर खर्च किए हैं, जबकि सफाई कर्मचारियों को देने के लिए आम आदमी पार्टी के पास पैसे नहीं है। तो बीजेपी ये कह रही है कि फिर विज्ञापन बनाने के पैसे कहां से आए हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने बचाव में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं किया गया है। बीजेपी इस एड कैंपेन को पचा नहीं पा रही है, इस बात को पचा नहीं पा रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहीं महिला आयोग का ये कहना है कि इस एड में महिला की जो छवि दिखाई गई है वो नौकरानी जैसी है और इस पर महिला आयोग ने आपत्ति जताई है। रोज भगवान से दुआ मांगती, हे भगवान हमारे अरविंद को सलामत रखना। आइए हम सब मिलकर अरविंद का साथ दें और ये कसम खाएं, न रिश्वत लेंगे न रिश्वत देंगे। पहले